नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से आपके बीच में। और आज की ये वीडियो जो है ये बहुत खास है ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं क्यों खास है ये वीडियो। इसलिए खास है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप बोलते हो ये जो विजुअली इम्पेयर्ड है, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ब्लाइंड की बात कर रहा हूँ, दृष्टि बाधितों की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबने सोचा लॉकडाउन में सब कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कर रहे थे, घरों में कर रहे थे, लिमिटेशंस थी, लेकिन अपने आप को फिर हमने टेक स्मार्ट बनाया और उसमें सीखा कई कुछ। जो ट्रैकिंग एप्स हैं, जो रनिंग के, साइकिलिंग और जो भी चीज़ें हैं, वॉकिंग के, जो फिटनेस रनिंग ट्रैकर्स हैं, उनको हमने फिर डाउनलोड करके और अपने आप से पहले ओरिएंटेशन किया, खासकर जो टोटली ब्लाइंड हैं वो लोग। उसके बाद में हमने अपना वर्कआउट 22 मार्च यानी कि जब से पहला लॉकडाउन हुआ तब से लेकर 31 जुलाई तक हमने बहुत कुछ किया। ट्रेनिंग लगातार चल रही है और सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ जिनकी बात मैं करने वाला हूँ वो चार हैं, शिवम नेगी, सौरभ, विकास और अनुष्का। शिवम नेगी और अनुष्का जो हैं वो विथ कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, ठीक है। और जो दोनों भाई हैं यानी कि विकास और सौरभ, दोनों एक साथ हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, और वो दोनों पार्शली साइटेड हैं यानी कि अल्प दृष्टिवान है, लेकिन उनकी किसी भी डिसेबिलिटी या किसी चीज़ का नहीं। आज ये देखिए, उन्होंने 5 किलोमीटर से शुरू करके और 42.195 यानी कि फुल मैराथन भी की है, और सभी ने कम से कम, सारे डबल फिगर्स में हैं यानी कि 10 से ज़्यादा रेसेस कर ली हैं, इंटरनेशनल मैराथन भी की है। अभी इंटरनेशनल जो वर्चुअल मैराथन थी उसमें 10 किलोमीटर्स किया है, और सारे रिपोर्ट कार्ड्स, सारा किसने क्या किया है उसका लेखा जोखा आपके सामने है, देखिएगा जरूर। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमेशा बोलते रहते हैं तो ये कैसे करते हैं। भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सबका देख सकते हो तो इनका भी देखना कि किस तरह से इन्होंने क्या क्या किया है। रतलाम से अनुष्का दुबे, अनुष्का दुबे अगर आप उसे देखोगे, बहुत एक लीन एंड थिन लड़की, और जिसने शुरू किया सिर्फ 400 मीटर से, और आज वो हाफ मैराथन भी अपनी इसी लॉकडाउन में कंप्लीट किया उसने। जिस दिन से यहाँ से गई है यानी कि सभी लोग NIPVD, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है, जब हम लोग साथ में थे यहाँ पे कर रहे थे, और उसके बाद जैसे यहाँ से गए, उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू है, उनके जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो कंटिन्यू है और वो कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सियोम नेगी इस वक्त पौड़ी गढ़वाल यानी कि अपने घर में है पौड़ी में, और वो वहीं पे कर रहा है। इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है और पहला इंडिया का ऐसा ब्लाइंड फुटबॉलर है जिसने एशियन चैंपियनशिप में यानी कि पट्टाया थाईलैंड में गोल किया था, ये आप लोग जानते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। आज जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये है, कर लीजिए ना विश्वास, और ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो है सब आपके सामने है, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ ऐसा करने वाले होंगे वो, अगर ऐसा ही चलता रहा लॉकडाउन तो बहुत कुछ ऐसा करने वाले होंगे जो आपके सामने आएगा। तो उस टाइम में अचंभित मत होना जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, ये भी उसी तरह से बहुत अच्छा, बहुत खास कर रहे हैं। तो चलिए आपके सामने मैं एक एक करके बताता हूँ कि किसने क्या अचीव किया। 22 जो मार्च है, 22 मार्च से 31 जुलाई तक आदर्श विद्यालय, जो कि मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड है, NIPVD के अंदर, वहाँ के चारों स्टूडेंट हैं और हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या किया है इन्होंने। सौरव की अगर बात करूं मैं, तो सौरव ने जो उसका 5 किलोमीटर के 3 रेस की हैं, और जो पर्सनल बेस्ट है उसका वो है 30 मिनट्स 5 सेकेंड, तो ये उसका है। उसने फिर 10 किलोमीटर की हैं, 7 10 किलोमीटर की हैं, 21 यानी कि हाफ मैराथन 3 की हैं, 136 की और 25 किलोमीटर की है एक, और उसने एक फुल मैराथन की है 3:39 में, यानी कि 3 आवर्स 39 मिनट्स में, टोटल 20 नेशनल कॉम्पिटिशन्स वर्चुअल रन्स और एक इंटरनेशनल, यानी कि 15
टोटल उसने की हैं 22 से 31 जुलाई तक। यह है सौरव शर्मा। और शिवम सिंह नेगी की अगर बात करें तो शिवम सिंह नेगी ने 2 किलोमीटर से शुरू किया 7 मिनट में, टोटली ब्लाइंड है और उसने 2 किलोमीटर का उसका पर्सनल बेस्ट अगर बताऊं तो 7 मिनट में उसने किया था। और उसने टोटल 15 नेशनल इवेंट्स किए हैं और 2 इंटरनेशनल, इस तरह से 17 इवेंट अब तक वो कर चुका है 2 किलोमीटर से लेके। और उसने जो हाफ मैराथन है वहाँ तक उसने किया है और हाफ मैराथन उसकी 151 की है, जो उसका पर्सनल बेस्ट भी है। अनुष्का दुबे, मैं बात कर रहा था रतलाम से, जो है रतलाम में कर रही हैं मध्य प्रदेश में। अनुष्का दुबे स्टूडेंट हैं सभी लोग यहाँ MSBH के आदर्श विद्यालय के। उन्होंने 2 किलोमीटर से शुरू किया, टोटली ब्लाइंड लड़की फिर से, और 15 मिनट्स 25 सेकेंड्स में उनका 2 किलोमीटर किया पहले, जो कि जिस टाइम में कंप्लीट लॉकडाउन था घर के अंदर ही किया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कितने टर्न्स आते हैं, कितनी बार उनको करना पड़ता है। टोटल 11 इवेंट्स कर चुकी हूँ अभी तक, जिसमें एक हाफ मैराथन जो कि उनकी पहली हाफ मैराथन थी वो उन्होंने 2 घंटे 45 मिनट में किया, पूरा किया। अब आ रहा हूँ विकास शर्मा, ये एक ऐसा लड़का जिसने बहुत लेट शुरू किया लेकिन जो किया वो कमाल किया और अभी भी रेगुलर है, कर रहा है हमीरपुर में। सबसे अच्छी बात यह है विकास और सौरव की कि दोनों साथ में हैं, और जब आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिल जाता है खासकर लॉन्ग डिस्टेंस में, तब आप कमाल करने लग जाते हैं क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई रहता है। ट्रैकिंग ऐप्स हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रैक्टिस पार्टनर मिल जाता है तो कमाल हो जाता है। उसी कमाल के अंतर्गत इन्होंने किया है 5 किलोमीटर अपना 21 मिनट्स और 17 सेकंड्स में, ये इनका 5 किलोमीटर का पर्सनल बेस्ट है। और इन्होंने फुल मैराथन भी की है एक, और फुल मैराथन की थी 3:39, 3 घंटे 39 मिनट, दोनों भाइयों ने साथ में की थी। तो ये इन्होंने टोटल 22 नेशनल इवेंट किए हैं, 22 टिल नाउ अभी तक 22 नेशनल इवेंट्स और 1 इंटरनेशनल इवेंट किया है। टोटल इनके जो इवेंट्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो 23 इवेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो 4 लोग हैं ये कमाल कर रहे हैं, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अगर जिसको विश्वास नहीं होता भाई कर लीजिए, देखते रहिए और इनको फॉलो कीजिए। आप सभी का मैंने अभी तक का यानी कि 31 जुलाई तक का आपके साथ रखा, 4 लोग आदर्श विद्यालय NIPVD जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में है, आप सभी को पता है एक प्राइम इंस्टीट्यूशन, उसी के स्टूडेंट्स हैं सारे और बहुत कमाल कर रहे हैं। साथ में वर्चुअल क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स है इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। देखते हैं कहाँ तक क्या करते हैं, इसी तरह से आपके साथ लेके आएंगे। मैं सिर्फ आपके बीच इसलिए आया था कि जो लोग कहते हैं नहीं कर सकते, इन्होंने कर लिया है, और आने वाले टाइम में अगर और भी कुछ कमाल होगा आपके बीच आऊँगा, लेकिन ये मत कहिएगा कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, बस आपको बता दिया। फिर मिलते हैं आप सबकी दुआओं के बीच और आप सबके आशीर्वाद के बीच, हम हमेशा रहते हैं एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं और सभी को बहुत बहुत थैंक यू, खासकर जो DRC हैं और उसके बाद जो देहरादून साइकिलिंग क्लब है, एडवेंचर थ्रिल, सारमंग टूर्स, ये हमेशा सारमंग एडवेंचर टूर, ये हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, एक एक इंडिविजुअल हमेशा साथ में रहते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहा, वो सब लोग साथ में रहते हैं। तो हमेशा हमारा साथ देने के लिए और हमेशा हम पर विश्वास करने के लिए, जो लोग नहीं करते हैं वो भी कर लेंगे, थैंक यू। आज मुझे लगा कि आप लोगों को थैंक यू बोलूं और इस लॉकडाउन के बीच में आपके बीच पहुंचूं, सो थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और हमारे एथलीट्स और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो इसी तरह से कमाल करते रहेंगे। आप देखते रहिए, साथ देते रहिए, फिर मिलेंगे, क्योंकि हमको ग्रूम भी कर रहे हैं जो यूथ, जो हमारा यंग ड्रीमर्स फाउंडेशन है, और कई लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ आपकी वजह से हम लोग जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं, फिर आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए